दोस्तों, अगर आप लोग भी फ़ोनपे का यूज़ करते हैं ना, आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोनपे अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शन करके रखे होंगे उससे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। गाइस, अपने फ़ोनपे अकाउंट के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का PDF डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर में फ़ोनपे को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको नीचे में हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपने अपने फ़ोनपे अकाउंट से जितने भी ट्रांजैक्शन करके रखे होंगे सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ऊपर में एक डाउनलोड स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे डेट रेंज के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको दिन को सिलेक्ट करना है, कितने दिन का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ से लास्ट 30 डेज का कर सकते हैं, लास्ट 90 डेज का कर सकते हैं, लास्ट 180 डेज का कर सकते हैं, लास्ट 365 डेज का कर सकते हैं, या फिर कस्टम डेट के मदद से किसी भी स्पेसिफिक डेट का जो है कि स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आप सभी को जो है कि 90 डेज का करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं 90 डेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में आपको यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में आपको थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोडेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे में आपको व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से आपको इसको ड्राइव के अंदर में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गाइस देख सकते हैं कि हमारा फ़ोनपे का जो है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का PDF डाउनलोड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोनपे अकाउंट के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का PDF अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।